हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एम्स पवाल में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, काउंसलिंग से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आपको क्या क्या मिस्टेक पॉइंट्स नहीं करना है काउंसलिंग में, आपको इन बातों को मैं सारी बातों को डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, ताकि आपका आराम से जो कॉलेज आप चाहते हैं आपको कॉलेज मिल जाए। अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा भी है तो आपको क्या कॉलेज प्रेफरेंस रखना चाहिए। और यहाँ पर आप ये सामने देख सकते हैं मैंने अपने टाइम पे क्या कॉलेज प्रेफरेंस रखा था, कैसे और क्या सोच के मैं सारी इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो चलिए पहले हमारे जो मैंने मेरे टाइम मैंने जो अपने काउंसलिंग प्रोसेस में जो कॉलेज का प्रेफरेंस रखा था, कैसे रखा था, क्या सोचा था, ऐसे तो इस तरीके से आप भी आइडिया लगा सकते हैं और ऐसे कॉलेज प्रेफरेंस रख सकते हैं। कॉलेज प्रेफरेंस का एक इस वीडियो में पूरा मैंने 18 एम्स का पूरा कॉलेज प्रेफरेंस का लेवल भी रखा है, सारे एम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पर आता है, मतलब किसके कहाँ पे एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग कोर्सेज का जो है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई होती है, कौन से कॉलेज में। तो ऐसे इस तरीके से सीरियल वाइज में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले एम्स दिल्ली रखा था, क्योंकि एम्स दिल्ली भी अच्छा है, तो एम्स दिल्ली के लिए मैंने रखा था। कि उसके बाद से मेरा सेकेंड ऑप्शन था एम्स भोपाल, ठीक थर्ड ऑप्शन था मेरा एम्स पटना। तो क्यों मैंने ये सारे इस तरह से रखे थे, देखिए सबसे पहले मेरा ये था कि कॉलेज पुराना भी मिल जाए तो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें पेशेंट्स ज़्यादा मिलेंगे। फिर वहाँ पे थोड़ा सा जब कॉलेज पुराने होते हैं थोड़ा सा वो स्टेबल होते हैं, सारी चीज़ें अरेंजमेंट में होती है, अच्छी तरह से रन कर रही होती है कॉलेज की, तो उतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और एक और चीज़, मैं यूपी से हूँ तो मेरे यूपी से दिल्ली भी जाने के रूट अच्छे हैं, जा सकते हैं आराम से ट्रेन से। भोपाल भी आने के रूट अच्छे ठीक ठाक तो आ सकते थे, और एम्स पटना भी जा सकते थे, हमारे यूपी से पास में पड़ता है बिहार। फिर हमारा एम्स गोरखपुर जो हमारे यूपी में ही है, ठीक है। तो एम्स ऋषिकेश मेरा पांचवा ऑप्शन था, क्योंकि मुझे पता था इन फोर ऑप्शंस में से मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, तो मैंने ऐसे एम्स ऋषिकेश को डाल दिया था। वैसे मुझे पता था कि एम्स ऋषिकेश मुझे नहीं मिलेगा जो मेरी रैंक थी, ठीक है। फिर मुझे एम्स देवघर भी मैं जा सकती थी, क्योंकि लोअर वाले एम्स है तो हो सकता है इन टॉप एम्स में से मुझे ना मिले, तो मैं एम्स देवघर जा सकती हूँ। और एम्स जोधपुर मैंने नहीं डाला था, सबसे नीचे डाल रखा था, क्योंकि एम्स जोधपुर को मेरे यहाँ से मेरे मतलब मुझे जाने में बहुत काफ़ी दिक्कत हो सकता था। एम्स जोधपुर मेरा कोई रूट नहीं है जाने का, बहुत मतलब अलग रूट है, उसके लिए हमें दो ट्रेनें चेंज करनी होती, तो फिर हमें जाने में वहाँ पर क्या होती प्रॉब्लम होती। तो मैंने इन सब सारी सुविधा को देखते हुए कि क्या मेरे लिए जाना वहाँ पर ईजी है, क्या मतलब कितना मेरा डिस्टेंस है, क्या वहाँ पर हमें अडॉप्ट कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, तो मुझे पता था कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होनी पड़ती है, तो फिर मेरे को नहीं पसंद, ऐसा मेरा चॉइस था, ठीक है। तो आपका भी कुछ चॉइस हो सकता है, तो उस हिसाब से आप कॉलेज को रख सकते हैं। लेकिन आगे की और भी बहुत सारी आगे वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि मतलब कौन से एम्स लेना ज़्यादा सही है, कौन सा नहीं, इन सब सारी चीज़ें मतलब क्या कौन से कॉलेज का क्यों क्या प्रो है, क्या कौन सा, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप यहाँ पर मेरा प्रेफरेंस लेवल देख सकते हैं, मैंने टोटल 12 एम्स को सेलेक्ट किया था, और जिस एम्स में मुझे नहीं जाना था मैंने उन सारे एम्स को नाम इसमें मतलब फिलअप नहीं किया था, आप देख सकते हैं। तो मेरा ऐसा था कि इसमें से जो मिलेगा वो हम डाल सकते हैं, जैसे कि मेरे लिए भुवनेश्वर जाना बहुत मुश्किल है, जोधपुर जाना मेरे लिए मुश्किल है, कल्याणी जाना अच्छा बहुत ज़्यादा दूर है हमारे पास से, तो फिर मुझे इन सब सारी चीज़ों को मैंने सबसे नीचे डाला, ये हमारा लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि हम वहाँ पर मेरे लिए जाना मतलब मुझे यहाँ पे जाना पसंद नहीं है, ऐसा सोच लीजिए, फिर जाने की सुविधा कम है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए हमने इन सारे ऑप्शंस को नहीं डाला था, क्योंकि हमें इसके ऊपर से ही कोई भी कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैंने हाई लेवल का डाला था, फिर लेवल बीच का, फिर सबसे थोड़ा लो लेवल का, फिर लो लेवल का, फिर थोड़ा हाई लेवल का, ऐसे करके मैंने डाला था, क्योंकि ये प्रेफरेंस मेरे को पता था कि इसमें से कोई ना कोई कॉलेज ऊपर का मिल जाएगा मुझे, मुझे इतना आइडिया था कि टॉप 6-7 में से कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम लोग पूरा काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे काउंसलिंग में क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो काउंसलिंग का प्रोसेस है एम्स बीएससी हर्ष, मैंने यहाँ पर लिख रखा है एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए काउंसलिंग प्रोसेस है, वो फोर स्टेप में काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, मैं सारे स्टेप्स के बारे में बात करूंगी। चलिए देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले मॉक राउंड यानी कि ट्रायल राउंड के बारे में, यानी कि मॉक राउंड में ऐसा होता है ऐसे आपको ट्रायल मिलेगा, जैसे कि इसमें क्या होता है कि मैंने बताया ना कि नीट से काउंसलिंग इसकी थोड़ी सी अलग होती है, इसमें सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसे चांसेस
मतलब श्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करने के लिए सीट नहीं लेते हैं, छोड़ भी देते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि हाई रैंक तक भी बच्चों को सीट अलॉट हो जाती है। तो सबसे पहले मॉक राउंड क्या होता है, मॉक राउंड में से इसे एक ट्रायल होगा जिसका कोई बस ये आप देखेंगे कि आपको कोई कॉलेज मिल पा रहा है आपकी रैंक पे या फिर नहीं मिल पा रहा है। इसमें आपको अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग इस मॉक राउंड में, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद से फर्स्ट राउंड होगा आपका। तो ये जो काउंसलिंग का जो है ना, जो मैंने लिखा है काउंसलिंग प्रोसेस, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और ओपन राउंड, तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना, तो ये सब सारे चीज़ों की भी शेड्यूल आएगी, अभी शेड्यूल आई नहीं है। तो अभी एक शेड्यूल आएगी, उसके बाद से एक काउंसलिंग स्टार्ट होगा, लेकिन जो सारा मैं स्टेप बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ, सब कुछ यही रहता है लगभग, तो ऐसे ही रहेगा। तो मॉक राउंड आपका जब हो जाएगा तो फिर इसका भी रिजल्ट आएगा मॉक राउंड का, मॉक राउंड की काउंसलिंग के बाद से, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप ट्राई यही करना है आपको मॉक राउंड काउंसलिंग में, कि आप जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज का प्रिफ्रेंस जो रखने वाले हैं वो फर्स्ट राउंड में, वही सेम प्रिफ्रेंस आप मॉक राउंड में भी रखिएगा, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए। अगर आपको मॉक राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा। मॉक राउंड में हमें कोई कॉलेज का प्रेफरेंस होता है, उसमें सोच सकते हैं लो लेवल का कॉलेज मिल जाता है, लेकिन वहीं पे फर्स्ट राउंड में बच्चे अपने अपने स्टेट का कॉलेज चूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि घर से घर के पास रहता है, आने जाने की सुविधा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि अगर हेल्थ ज़्यादा खराब हो तो हम घर पर जा सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो फर्स्ट राउंड में हो सकता है आपको कॉलेज वाली जो मॉक राउंड में नहीं मिला था वो फर्स्ट राउंड में मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट राउंड में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होता है अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं जो फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो जितनी सारी सीटें बची रहेंगी फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद से, फिर उसके बाद होगा आपका सेकेंड राउंड, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी सारी चीज़ें सेम रहेंगी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की, फिर सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है ना। इसके बाद से जब सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारा होगा ओपन राउंड। अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद से जितनी सारी सीटें बची रहेंगी वो आएंगी ओपन राउंड्स में। ओपन राउंड में सबको पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं वीडियो में। अब हम लोग फर्स्ट राउंड की बात करेंगे और सेकेंड राउंड की बात करेंगे और इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने। देखिए सबसे पहले होगा फर्स्ट राउंड में आपका काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा, जब ऐसे शेड्यूल आएगा, डेट आ जाएगा, उसमें क्या करना रहेगा आपको कॉलेज प्रेफरेंस चूज करना रहेगा। जैसे आप कॉलेज प्रेफरेंस चूज कर लेते हैं, कॉलेज प्रेफरेंस का मतलब कि क्या ऑर्डर रखना चाहते हैं आप कॉलेज का, कौन सा एम्स आप लेना चाहते हैं, कौन से एम्स में आप पढ़ना चाहते हैं, आपका कुछ च्वाइस होगा उसके हिसाब से, ठीक है। और आगे हम लोग ये भी देखेंगे, मैं भी बताऊंगी जिनका रैंक थोड़ा हाई है उनको क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद से जब कॉलेज प्रेफरेंस आप चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आपको सबमिट करने का ऑप्शन आता है। आप जब सबमिट कर देते हैं फिर एक क्या होता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। जो भी आपने कॉलेज का प्रेफरेंस चूज किया है, जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, सबमिट कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो लॉक होने का मतलब क्या है, देखिए कि आप एक बार अगर सबमिट कर देंगे ना, फिर उसके बाद से आप जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस रखें उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉलेज प्रेफरेंस फर्स्ट राउंड का आपको बहुत ही सोच समझ के पूरा टाइम ले करके आपको करना है। बिल्कुल आप टाइम ले लीजिएगा, हड़बड़ी, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई तेजी नहीं है, आप आराम से करिए, पूरा सोच लीजिए, बात कर लीजिए घर में फैमिली से, आपका खुद भी, आपका कहाँ आप जाना चाहते हैं। अगर आप बाहर कोई और अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होता है कि हमें एक्सप्लोर करना है दूसरे स्टेट्स में जाने में, क्योंकि अपने सेम स्टेट में तो सब कुछ देख रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो इसलिए, तो उसके हिसाब से आप एक बता रही थी मैं क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें हड़बड़ी नहीं करनी है और आराम से कॉलेज प्रेफरेंस चूज करना है। हमें वही कॉलेज डालना है कि जहाँ पे हम जा सकते हैं, हमारे लिए सुविधा हो, ऐसा कॉलेज नहीं आप डाल सकते, मत डाल लीजिएगा वरना आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, ठीक है। उसके बाद से आपका ये लॉक हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, जो भी आपका एम्स अलॉट होगा उस पर उसके बाद से क्या करना होगा, आपको डेट आएगा, उस डेट के बीच में आपको जाके उस कॉलेज पे क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे को एम्स भोपाल अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, तो उस बच्चे को क्या करना होगा कि एम्स भोपाल आना होगा उसको बच्चे को, और एम्स भोपाल में आकर के उसको क्या होगा, नर्सिंग कॉलेज में उसे रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने के लिए उसको अपना पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना है। क्या होगा, डॉक्यूमेंट का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई होगा पूरा डॉक्यूमेंट उसका, और उसके क्या होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के क्या कर लिया जाएगा, सबमिट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर वो फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेना चाहता है
तो भी सबमिट किया जाएगा, या फिर वो फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं लेना चाहता है, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, सेकेंड राउंड का कॉलेज वो चाहता है, जिससे मतलब कि मान लीजिए उसको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है लेकिन वो लेना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मतलब कि मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूँ, मुझे और अच्छा कॉलेज चाहिए जो उसका टॉप टॉप पे कॉलेज होगा, तो फिर वो क्या करेगा सेकेंड राउंड में, क्या करेगा पार्टिसिपेट कर रहेगा, कर सकता है। तो कैसे करेगा, अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है उसे, फिर भी उसको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा और पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। तो वही जो मैंने आपको बताया था काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, वहाँ पे आपके फोटो कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटोज होनी चाहिए, आप लेकर के आना है। उसके बाद से एक कंडीशन और है, अगर आप ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं सबमिट करते हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है कि वो चाहता है कि अपना जो भी उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए उसको 1 लाख की 1 लाख की क्या होगी DD बनवा के सबमिट करनी होगी, जब उसका फर्स्ट राउंड का जो भी काउंसलिंग है, जो भी कॉलेज उसको मिला हुआ है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसको, वहाँ पर जो भी जाएगा वहाँ पर 1 लाख की DD देनी होगी। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देते हैं, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए रेडी हैं, तो आपको 1 लाख की DD देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपको 1 लाख की DD देनी होगी, अगर आप 1 लाख की DD नहीं देते हैं तो आपकी एडमिशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, यानी कि आपको इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरा करना रहता है। उसके बाद से अगर आप 1 लाख की ये जो DD है अगर आप सबमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद से मान लीजिए 1 महीने बाद या फिर 10 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद आपके पास आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं, और जो आपने 1 लाख की DD बनवा के दी है अपने डॉक्यूमेंट की जगह पे, तो आपका क्या होगा 1 लाख की DD 5 दिन बाद आपको क्या गया वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपको 1 लाख की DD देनी होगी, और वो DD आपको वापस मिलेगा कब, जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे तब। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आपको DD रिफंड नहीं की जाएगी। ठीक है, फिर उसके पास से फर्स्ट ऑप्शन मैंने बता दिया फर्स्ट राउंड में, फिर फर्स्ट राउंड में जब हम काउंसलिंग करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही करनी होती है। ठीक है, तो पहला रहेगा कि या तो फिर आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिली है उसको एक्सेप्ट करिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट को जो भी है, या फिर ऑप्शन सेकेंड रहेगा कि पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड, मतलब कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में तो मैं बोलूँगी उन्हीं बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए जिन बच्चों को अपने मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, वही पार्टिसिपेट करना चाहिए फर्स्ट में। अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज चाहिए होगा अपने सुविधा के अनुसार मिल गया होगा तो उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन बी सेलेक्ट करना होगा सेकेंड राउंड के लिए। फिर सेकेंड राउंड में फिर आपको डेट मिलेगा, फिर आपको सेकेंड राउंड में जा करके आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट करना होगा, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी वगैरह मैंने बताया था कराना होगा, तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी है वो सबमिट होगा और आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा वेरीफाई होगा। लेकिन यहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हैं फर्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट वाले इंस्टीट्यूट के पास ही रह जाता है ए वाला इंस्टीट्यूट, फर्स्ट राउंड वाला जो भी कॉलेज अलॉट होता है, ए सेकेंड राउंड मतलब सेकेंड राउंड में जो भी आप एक कॉलेज लेंगे इस वाले सेकेंड राउंड में, तो ये फर्स्ट राउंड में एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ तो समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए फर्स्ट राउंड में मुझे एम्स भोपाल मिल गया, ठीक है, मैंने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ वेरीफाई करा दिया, ठीक है, और मैंने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करा दिया। ठीक है, उसके बाद से हमें फिर सेकेंड राउंड में हमें जो भी कॉलेज मिलेगा मुझे, तो वहाँ पे क्या रहेगा, हम रिपोर्ट करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स तो हमारा आल पहले क्या हो गया था कि एम्स भोपाल में जमा हो गया था, और सेकेंड राउंड में मुझे एम्स दिल्ली मिल गया है, तो डाउट को अच्छे से क्लियर करती हूँ कि फर्स्ट राउंड सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या करना रहता है। ठीक है ना, तो मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है उसको फर्स्ट राउंड में एम्स भोपाल मिल गया, लेकिन उसको एम्स भोपाल नहीं चाहिए, उसको चाहिए एम्स दिल्ली, तो वो चाहता है कि मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूं, तो सेकेंड राउंड में उस बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम जब उसको एम्स भोपाल मिला है तो कॉलेज में तो उसको रिपोर्ट तो करना है ना फर्स्ट राउंड में, तो अब एम्स भोपाल आएगा वो बच्चा रिपोर्ट करेगा कॉलेज में, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एम्स भोपाल में ही सबमिट कर देगा वो। ठीक है, उसके बाद से उसको
सेकेंड राउंड में उसने पार्टिसिपेट किया तो उसको एम्स दिल्ली मिल गया सेकेंड राउंड में। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में एम्स दिल्ली में बच्चा क्या करेगा, फिर उसको डेट आएगा किस डेट के बीच में आपको जाके क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो एम्स दिल्ली में जाकर के सेकेंड राउंड में बच्चा क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापी है वो सबमिट वगैरह करेगा। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिटेड है, एम्स भोपाल में सबमिटेड है। तो एम्स भोपाल क्या करेगा, खुद ही एम्स भोपाल एम्स दिल्ली को जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। आपको खुद लेने के डॉक्यूमेंट नहीं जरूरत है, एक खुद ट्रांसफर कर देगा। बस आप जाइए एम्स दिल्ली में और आप यहाँ पर आप रिपोर्ट करिए जो भी आपके पास फोटो कॉपी है। मैंने इसीलिए बोला था कि एटलीस्ट आप लोग हर एक डॉक्यूमेंट्स का 5 कॉपी प्रिंट करा लीजिएगा, फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद से फिर आपका सेकेंड राउंड में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का। फिर उसके बाद देखते हैं ओपन राउंड में, ओपन राउंड में थोड़ा अलग होती है काउंसलिंग। तो एक चीज़ और है सेकेंड राउंड के लिए, जो भी आपने कॉलेज का प्रिफ्रेंस फर्स्ट राउंड में जो रखा था ना, तो आपका सेम कॉलेज का प्रिफ्रेंस सेकेंड राउंड में भी होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में एक बार सबमिट कर दिया वो लॉक हो गया, तो ये जो भी कॉलेज का प्रिफ्रेंस रखा था ये कॉलेज का प्रिफ्रेंस फर्स्ट राउंड के लिए भी लगेगा और एक कॉलेज का प्रिफरेंस सेकेंड राउंड के लिए भी रहेगा, चेंज नहीं होता है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज का प्रिफरेंस है वही रहेगा, सेकेंड राउंड में भी सेम वही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे चल लेते हैं, ओपन राउंड की बात कर लेते हैं, ओपन राउंड में क्या करना रहता है। अभी हम लोग ओपन राउंड की बात कर लेते हैं, ओपन राउंड काउंसलिंग के बारे में। फिर उसके बाद से हम लोग कॉलेज का क्या प्रिफरेंस रखना चाहिए, कैसे रखना है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को समझा दूंगी। तो देखिए ओपन राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें क्या करना होगा, ये अलग है फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में, यानी कि जो आपने फर्स्ट राउंड में जो भी रखा था कॉलेज का प्रिफरेंस उससे कोई बात नहीं। ओपन राउंड के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। ओपन राउंड का, ओपन राउंड आपका फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद से एटलीस्ट 1 मंथ के बीच के, 1 मंथ के बाद ही लगभग आता है, 15-20 दिन बाद ही आएगा ओपन राउंड का शेड्यूल, अगर सीट वैकेंट रहती है तब, ठीक है। तो उसमें क्या करना रहेगा, ओपन राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद से ओपन राउंड में क्या होता है, अगर कोई हाई रैंक तक का भी बच्चा है कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्या इसमें मतलब क्या एक प्रॉब्लम है कि आपको 25,000 की डीडी बनवानी रहती है। एक ये बात है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इतने पैसे एफर्ट नहीं करते होंगे तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। लेकिन ओपन राउंड में सीट मिलने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते, ये भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं मुझसे। तो देखिए ओपन राउंड में सीट मिलने के चांसेस हाई रैंक वालों को नहीं होते हैं, जिनके जिनको रैंक एक लेवल तक होता है उनको ही मिलता है। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई बच्चा होगा कि मान लीजिए कि 2200 तक कट ऑफ गई है ओबीसी की, 2222 तक, ठीक है ना। तो अगर वहीं पर कोई बच्चा होगा जिसका 2300 के आसपास रैंक होगा, ठीक है ना, तो अगर वहीं पर और कोई बच्चा होगा जिसकी रैंक 3000 होगी, ठीक है, तो 3000 रैंक जिस बच्चे की होगी जिसकी 2300 रैंक है, तो अगर ये बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है ओपन राउंड में तो सबसे पहले इसको सीट मिलेगी ना, उसके बाद से इस वाले बच्चे को मिलेगी। तो ये डिपेंड कर, ये बताना इसमें भी मुश्किल है कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं हाई रैंक वालों को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं ओपन राउंड में, जिसकी वजह से कभी कभी हाई रैंक वाले बच्चों को भी सीट मिल जाती है। ऐसा है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जाता है इसमें, थोड़ा ज़्यादा जिसका अगर किसी का थोड़ा नंबर कम भी रहता है उसको भी सीट मिल जाता है, मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 25,000 की डीडी बनवा के सबमिट करनी रहती है। और ये सारा जो ऑनलाइन प्रोसेस है ओपन राउंड का, ये सारा ऑनलाइन होता है एम्स दिल्ली, या फिर आपको कहीं और पे जाने की जरूरत नहीं होती है। सब कुछ क्या होगा, ऑनलाइन करना रहेगा, आपको डीडी भी बनवा के ऑनलाइन सबमिट करनी रहेगी, और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको कॉलेज का प्रिफ्रेंस चूज करना है, ये सब सारा सब कुछ आप यहाँ पे करना रहेगा आपको। लेकिन ओपन राउंड का लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसमें। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि ओपन राउंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, यहाँ पर कॉलेज की सीट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। और फिर बच्चों को डाउट रहता है कि क्या ये जो हमारा ये 25,000 की डीडी है हमें वापस मिलती है या फिर नहीं मिलती है। देखिए, और ये डीडी का दो कंडीशन है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको ये 25,000 की डीडी रिफंड नहीं की जाती है। अगर आपको एडमिशन हो जाता है, आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, तो ये जो 25,000 की डीडी है आपको रिफंड नहीं की जाती है,
दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, मान लीजिए मैंने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट किया और मुझे एडमिशन नहीं मिला, मेरा रैंक थोड़ा ज़्यादा था, तो फिर क्या होगा, आपकी ये जो DD है ये रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको सीट नहीं मिलेगा तो ये क्या किया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको सीट मिल जाएगी, आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर ये रिफंड नहीं किया जाता है। तो इसमें ये थोड़ी वैसे बस पैसे की बात इसमें है, और बाकी सब सारी चीज़ें वैसे ही रहती है। इसमें भी रजिस्ट्रेशन आपको न्यू करना पड़ता है। ओपन राउंड में आपने जो अगर आपने फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो आप सेकेंड राउंड में ओपन राउंड में सॉरी ओपन राउंड में आप अपना प्रेफरेंस लेवल वगैरह कॉलेज का चेंज हो सकता है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट राउंड में अगर आप एक बार लॉक करते हैं तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के लिए सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओपन राउंड में चेंज हो सकता है, और इसमें हाई रैंक तक कैंडिडेट को क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको एक काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे अब देख लेते हैं कॉलेज का क्या प्रिफ्रेंस रखना है। ठीक है, कैसे हमें कॉलेज का प्रिफ्रेंस रखना है ताकि हमें कॉलेज मिल जाए। सबसे बड़ा बच्चों का डाउट रहता है कि क्या कॉलेज का प्रेफरेंस रखना चाहिए कि हमें कॉलेज मिल जाए। तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ कि आपको क्या कॉलेज का प्रेफरेंस रखना चाहिए, आपको कॉलेज का ऑर्डर कैसे रखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टोटल 18 M's हैं, तो टोटल 18 M's को यहाँ पर मैंसन किया है मैंने। तो यहाँ पर टोटल 18 M's हैं, मैंने पूरे 18 M's को मैंसन किया हुआ है। ठीक है, और ये मैंने हाई रैंक से लेकर के लो रैंक के हिसाब से रखा है सारे कॉलेज का प्रेफरेंस। यानी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टॉप 3 में कौन कौन से एम्स हैं जो BSc ऑनर्स कोर्सिंग कोर्सेज के लिए सबसे अच्छे हैं, तो देखिए सबसे टॉप 1 में एम्स दिल्ली है, फिर एम्स जोधपुर है, या एम्स ऋषिकेश, ये टॉप 3 के हैं। लेकिन आप एम्स दिल्ली को, एम्स जोधपुर को आप आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि एम्स दिल्ली में अभी कंडीशन थोड़ी सी खराब है। क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक बच्चे ने सुसाइड किया था जिसका नाम लक्ष्मी था, तो उसने BSc ऑनर्स सेकेंडरी की स्टूडेंट थी, क्यों उसको क्यों सुसाइड किया, क्योंकि वहाँ पे आप इस न्यूज़ को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टोटल, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती इस बारे में। तो आप एम्स जोधपुर मतलब बेस्ट है। लेकिन ये सब सारे कॉलेजेस का ऑर्डर रखने का भी एक तरीका है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई बच्चा बहुत ही दूर के, उसके लिए मतलब नॉर्थ का है, उसको जाना पड़े बिल्कुल साउथ के साइड में, या फिर साउथ के बिल्कुल उसको नॉर्थ की तरफ जाना पड़े। तो मतलब अपना डिस्टेंस, अपनी सुविधा, आने जाने की, सब सारी चीज़ों को देख करके भी कॉलेज का प्रेफरेंस मतलब रखना चाहिए। लेकिन मैं ये बस आइडिया बता सकती हूँ आपको कि आपको कौन सा एम्स मिल सकता है, कौन सा आपसे नहीं मिल सकता है। सबकी अपनी चॉइस होती है कि किसी को बहुत घर से बहुत दूर रहना पसंद होता है, किसी को घर के पास भी रहना पसंद होता है। तो जैसी आपको सुविधा अनुसार आपको कॉलेज चूज करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में मैंने सारा ईयर लिख रखा है। ये सारे जो ईयर्स है सारे इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है, कौन से ईयर में कौन सा एम्स इस्टेब्लिश हुआ था, मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको ये पता लग जाए और आराम से आप इजली समझ सके कि कौन सा एम्स कितना पुराना है और आपको क्या ऐसे कौन सा ऑर्डर रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्स दिल्ली हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स भोपाल हो गया, एम्स भुवनेश्वर हो गया, एम्स रायपुर हो गया, एम्स पटना हो गया। ये जो 7 M's है ये सारे 7 M's पुराने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि मैम कौन से एम्स ज़्यादा पुराने हैं, कौन से वाले न्यू वाले हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने कमेंट किया। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपको एम्स गोरखपुर हो गया, यहाँ पर 2021 में फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था एम्स गोरखपुर में। ठीक है, और एम्स मंगलागिरी में भी 2021 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट बैच, और एम्स रायबरेली में 2023 में फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था। एम्स रायबरेली में 2023 में फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था, और एम्स नागपुर में भी 2021 में स्टार्ट हुआ था, एम्स बठिंडा में भी 2021 में स्टार्ट हुआ था। तो हुआ था, तो आप इन सब सारी चीज़ों से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा एम्स न्यू है बिल्कुल, कौन सा मीडियम में है, कौन सा सबसे पुराना है। तो ये पुराने वाले ऊपर 7 मैंने लिखा है साइड में, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से मीडियम वाले एम्स है, मतलब कि इनको कोर्सेज कराते हुए 2 से 3 साल हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, यानी कि एम्स रायबरेली, एम्स नागपुर, एम्स बठिंडा, एम्स देवघर और एम्स कल्याण, यहाँ पे 2 से 3 साल से कोर्सेज BSc ऑनर्स नर्सिंग की चल रही है, कंडक्ट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद से एम्स बीबी नगर, एम्स गुवाहाटी, एम्स बिलासपुर और एम्स जम्मू, ये सब बिल्कुल न्यू एम्स हैं। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा न्यू कौन सा है, तो एम्स जम्मू जो है अभी इस बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे BSc ऑनर्स नर्सिंग की कोर्सेज चलेगी। 2024 में अभी इसी साल से कोर्सेज क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट टाइम एम्स जम्मू में एडमिशन होगा 2024 में,
बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। फिर उसके बाद से 2023 में एम्स बिलासपुर में स्टार्ट हुआ था, 2023 में एम्स गुवाहाटी में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से 2022 में एम्स बीबी नगर में और एम्स कल्याणी में स्टार्ट हुआ था। तो ये सब जो इधर के हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आप 15 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक ये सब सारे बिल्कुल न्यू एम्स के अंदर आएंगे, और ये सब सारे मीडियम वाले में हैं जो इनके यहाँ पे 2 से 3 साल पुराने कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 2-3 साल से वहाँ पे पढ़ाई चल रही है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। और यहाँ पर ये सब सारे बिल्कुल न्यू है, जहाँ पर एक से एम्स जम्मू में इसी साल से हुआ, यहाँ पर पिछले साल से हुआ था, यहाँ पर भी पिछले साल से हुआ था 2023 में, 2023 में, ठीक है ना। और ये जो साइड में जो मैंने लिखा रखा ना, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कौन सा एम्स कितना पुराना है, तो इन सब सारी चीज़ों से आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा एम्स पुराना है कौन सा एम्स नया है, तो उसके हिसाब से कौन सा रखना है। ये टॉप 7 के एम्स हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार अगर आपके स्टेट से इन सब सारे ऊपर के जो 7 एम्स हैं इसमें से अगर आपके पास अगर आपके घर के पास से पड़ता है, अगर आपकी सुविधा है जाने की, तो आप इन सब ऑप्शंस को भी रख सकते हैं। और सबसे पहले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने कैसे क्या सोच के अपना कॉलेज प्रिफरेंस लेवल रखा था और मुझे मिल गया था, ठीक है ना। तो आपको अगर आप मान लीजिए कि कोई है, जैसे कि मैं एम्स जोधपुर नहीं जा सकती, तो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं लेना है तो उसका उस कॉलेज को प्रेफरेंस लेवल में आप नहीं फिल करिएगा, उसे मत डालिएगा, क्योंकि अगर वो अलॉट हो जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, आपको कितनी प्रॉब्लम होगी तो आपको पता होगा। तो फिर उसके लिए अगर मान लीजिए मुझे कोई कॉलेज नहीं लेना है, मुझे गुवाहाटी नहीं जाना है, तो फिर मैं क्या करूँगी, गुवाहाटी को ऑप्शन में नहीं फिल करूँगी। अगर मान लीजिए, और ऐसा भी नहीं कि आप बस 2 ही 4 ऑप्शन में फिल कर दीजिएगा, नहीं, आपको एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 एम्स आपको चूज करके रखने हैं, 12 एटलीस्ट आप फिल करिएगा, 12 से 13 ऑप्शन में प्रेफरेंस लेवल में आपको डालना है, अपने सुविधा के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा और बिल्कुल सोच समझ करके आप लोग ऑप्शंस को कॉलेज का जो भी प्रेफरेंस है उसे चूज करिएगा, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट राउंड में जो हम चूज करते हैं कॉलेज का प्रेफरेंस, वही सेकेंड राउंड के लिए भी सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। ओपन राउंड में चेंज हो सकता है, फिर वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, ओपन राउंड में सभी लोग पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, हाई रैंक तक भी मिलता है उसमें, तो ठीक है। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कॉलेज प्रेफरेंस कैसे रखना है। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर मेरी रैंक ज़्यादा है तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि कैसे कॉलेज मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे दो स्टूडेंट है, एक की स्टूडेंट की रैंक 1110 है, वहाँ पर एक दूसरा स्टूडेंट है जिसकी रैंक 1150 है, तो आप इन दोनों बच्चों में से क्या कॉलेज का प्रेफरेंस रखेंगे। कि जैसे कि आप मान लीजिए इन दोनों बच्चों ने 3 एम्स को चूज किया है, जैसे कि मान लीजिए एम्स भोपाल को चूज किया है उसने, किसी ने एम्स जोधपुर को चूज किया है और किसी ने एम्स गोरखपुर को चूज किया है, ऐसे मान लीजिए 3 हैं, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एम्स भोपाल का, एम्स जोधपुर का और एम्स गोरखपुर का, ठीक है। तो तीनों बच्चों की ये जो ये रैंक है, तो इस रैंक के बच्चों ने ये प्रेफरेंस लेवल रखा है कॉलेज की। तो देखिए ए बच्चे ने, ए वाले बच्चे ने इस वाले को रखा, ए वाला बच्चा हो सकता है इसको चेंज करके जी गोरखपुर को आगे रख दे, ठीक है ना, जीके पी को, ठीक है, उसके बाद से भोपाल को रख दे, उसके बाद से जोधपुर को रख दे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बच्चे ने गोरखपुर न्यू एम्स है तो बच्चे ने गोरखपुर को पहले लिखा है तो इसको पहले मिल जाएगी और इसको बाद में मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्यों, देखिए सबसे पहले इसकी रैंक कम है, आप देख सकते हैं 1110 रैंक है और इसी बच्चे की रैंक 1150 रैंक है, तो यानी कि सबसे पहले 1110 वाला जो कैंडिडेट है इसको सीट मिलेगी एम्स गोरखपुर, उसके बाद से इस कैंडिडेट को मिलेगी। इसने प्रेफरेंस लेवल एम्स गोरखपुर को भी रखा है ऊपर, तो उससे नहीं मतलब है, मतलब होता है रैंक से, ठीक है ना। तो अगर आपको हमेशा ये करना है कॉलेज प्रेफरेंस रखते वक्त, अगर कि आप हाई एम्स को ऊपर हमेशा रखें, जैसे कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको, जैसे कि आपने देखा होगा मेरा वाला प्रेफरेंस लेवल, तो मतलब कि फर्स्ट राउंड में मुझे नीचे का एम्स देवघर मिला था, बहुत ही दूर है जो, तो नीचे का कॉलेज मुझे मिला था, फिर मैंने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया तो फिर मुझे क्या हो गया वहाँ पे एम्स भोपाल मिल गया,
तो आप इस बात से समझ सकते हैं हमेशा कॉलेज का प्रेफरेंस हाई कॉलेज से लो कॉलेज की तरफ ही रखना चाहिए ताकि हमें अच्छा वाला कॉलेज मिल सके। लेकिन अच्छा वाला कॉलेज मिल सके का मतलब ये भी नहीं है कि हमारा सुविधा नहीं हो जाने का और फिर हम ऐसे हाई लेवल का कॉलेज ऊपर रख रहे हैं, तो ये भी नहीं आपको करना है। आपको अपनी सुविधा के अनुसार जो आपका थोड़ा बेस्ट कॉलेज होगा आपके पास से उसको आप रख सकते हैं ऊपर। तो हमेशा ऐसा आप गलती मत करिएगा काउंसलिंग में, मैं इसलिए अलग से बता रही हूँ कि अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो ऐसा आप गलती मत करिएगा कि आप सबसे लोअर वाले एम्स को ऊपर रख दिए और सबसे अच्छे वाले एम्स को नीचे रख दिए, तो हो सकता है आपको लोअर वाला ही एम्स अलॉट हो जाएगा, फिर आपको अच्छा एम्स नहीं मिलेगा। ये मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, आप समझ चुके होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट लग रहा है तो आप फिर मुझे कमेंट करिए, फिर मैं आपको अच्छे से वहाँ पे भी मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। मैं ऐसा करती हूँ कि आप मेरे वीडियो से और बात से समझ चुके होंगे कि सबसे पहले जिसकी रैंक कम है उसको सीट मिलेगी अगर उसने भी ऑप्शन में डाला हुआ है, उसके बाद से इस बच्चे को मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा मत आप सोचिएगा कि मैंने कॉलेज का प्रेफरेंस सबसे नीचे वाला कॉलेज का प्रेफरेंस में मैं डाल दूंगी पहले नंबर पे तो मुझे ए वाला एम्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले अगर किसी और ने बच्चे ने डाल रखा है उसकी रैंक थोड़ी सी कम है तो उसको मिलेगा, उसके बाद से आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे हाई वाले रैंक कॉलेज को ऊपर रखना है, उसके बाद से नीचे वाले में रखना है, जो भी आपको रखना होगा। हमेशा कॉलेज का चॉइस कैसे करेंगे, हाई एम्स टू लो एम्स, ठीक है ना। आप यही प्रेफरेंस लेवल रखिएगा जो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप समझ चुके गए होंगे इन सब सारी चीज़ों को, सारी बातों को। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।